अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के मसले पर चीन पर निशाना साधा। ट्रंप ने कहा कि आज दुनिया चीन की एक गलती की सजा भुगत रही है। इससे पहले भी ट्रंप कोरोना को चीनी वायरस कह चुके हैं। दुनिया भर में इस वक्त सबसे बड़ा संकट कोरोना वायरस ही है। भारत से लेकर अमेरिका और स्पेन से लेकर इटली तक में इस वायरस की वजह से तबाही जैसे हालात हैं। इस बीच अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस वायरस की तबाही के लिए चीन की एक गलती को जिम्मेदार माना है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन के द्वारा कोरोना वायरस पर जानकारी छुपाने की कीमत आज पूरी दुनिया चुका रही है। गुरुवार को डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा कि ये साफ है कि कोरोना वायरस के लिए चीन ही जिम्मेदार है। अगर चीन इसके बारे में पहले सूचना देता तो इसे एक ही क्षेत्र में रोका जा सकता था, पूरी दुनिया में ऐसी तबाही को रोका जा सकता था। बता दें कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के करीब 2.5 लाख से अधिक पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि 10,000 से अधिक मौतें हो गई हैं। दुनिया में अब तक इटली में सबसे ज़्यादा करीब 3,400 और चीन में 3,000 से अधिक मौतें हुई हैं। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप कई बार कोरोना वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार बता चुके हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने कोरोना को चीनी वायरस नाम दिया था, जिस पर चीन भड़क गया था और अमेरिकी प्रेस पर उनके यहाँ कवरेज पर बैन लगा दिया था। अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ करीब 15,000 पॉजिटिव केस आ चुके हैं, जबकि मौत का आंकड़ा भी 250 को छूने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में नेशनल इमरजेंसी घोषित की है, साथ ही खुद को वॉर टाइम प्रेसिडेंट बताया है और संविधान की उन शक्तियों को लागू कर दिया है। भारत में भी कोरोना वायरस के मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अब तक देश में 190 से अधिक कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 4 लोगों की मौत हो चुकी है।